सभी भारतीयों की तरह मेरे मन में भी भूटान के लिए विशेष प्यार और मित्रता है और इसलिए जब भी आपसे मिलता हूं एक खास अपनेपन की अनुभूति होती है। भारत और भूटान के विशिष्ट संबंध, हमारी विशेष मित्रता न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अमूल्य है बल्कि विश्व के लिए एक बेजोड़ उदाहरण भी है। पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा अनेक स्मृतियों से भरी पड़ी है। एक प्रकार से एक एक मिनट कोई न कोई नई घटना, नया उमंग, नया उत्साह, वो यात्रा अपने आप में बहुत ही यादगार थी। हमने अपने सहयोग में डिजिटल, अंतरिक्ष और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की थी। 21वीं सदी में दोनों देशों के बीच और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये कनेक्टिविटी के एक प्रकार से नए सूत्र होंगे। मेरी भूटान यात्रा के दौरान हमने दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड परियोजना के पहले चरण की शुरुआत करी थी। इससे भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्ड से भूटान में भुगतान करने की सुविधा मिली थी। मुझे ये जानकर खुशी है कि भूटान में अब तक 11,000 सफल रुपए ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अब अगर कोविड-19 महामारी न होती तो ये आंकड़ा अवश्य ही इससे भी बहुत अधिक होता है। आज हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और इसके साथ हम रुपे नेटवर्क में भूटान का एक फुल पार्टनर के तौर पर स्वागत करते हैं। इस उपलब्धि के लिए जिन भूटानी और भारतीय अधिकारियों ने परिश्रम किया है मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी से करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है।